नेक्स्ट किसी स्मॉल फिगर, किसी स्मॉल फिगर हम देखेंगे सेंट्रोइड का, जो किसी प्लेन फिगर है तीन टा फिगर जनरल होता गोटे हूँ सर्कल होता आउट हूँ ट्रायंगल होता आउट होता है कौन सर्कल होता गोटे ट्रायंगल होता आउट जनरल होता कौन आउट जनरल होता रेक्टांगल होता। सो बर्तमान आम किसी नुआ नुआ फिगर को अभी जीवा तो जनरली आई भी आई भी बर्तमान जी कौन फिगर को जी गोटे नुआ फिगर को जी जार नाम हूँ जार नेम मीनिंग मीनिंग जनरली हूँ सेमी सर्कल गोटे सेमी सर्कल गोटे नुआ फिगर को जी सेमी सर्कल सेमी सर्कल सेमी सर्कल लेट द रेडियस आर बी द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल एट द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल जनरली ये जो आर रहे ये भी जनरली कौन आर ही रहे रेडियस ही रहे तो सीजी कोट रहे जनरली यार सीजी कोट रहे ये डिस्टेंस हो जी लेट वाई बार विद द डिस्टेंस वेयर सीजी इज सिचुएटेड। So y bar equal to formula 4r by 3 pi. So y bar equal to 4r by 3 pi. ये हो ची y bar, इधर हो ची मरे y bar formula करते 4r by 3 pi. तमाने जो semicircle था, semicircle का cg generally कोट था generally, semicircle का cg generally base रू कतर था, ना 4r by 3 pi distance से रहियो. ये ला semicircle का cg 4r by 3 pi. यदि यार नंबर आर यार नंबर भी आर तो सेमी सर्कल पर नेक्स्ट मुझे आप चिंता हो जी कौन ना क्वार्टर सर्कल और नेक्स्ट आप चिंता कौन ना क्वार्टर सर्कल क्वार्टर सर्कल ने सीजी क्वार्टर सर्कल ने सीजी मध्य कोट रहे मतलब देखिए सपोज दिस इज आर सपोज ये हो जी हमारा आर तो क्वार्टर सर्कल सीजी जनरली कौट रहे यार ये बहुत इंपोर्टेंट क्वार्टर सर्कल सीजी जी दिस द सीजी फॉर्म यार जो सीजी रहे जनरली हाइट केते हाइट रे रहे ये जनरली होची वाई बार आउ मध्य एपट एक्सिस रु एटा होला एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो एक्स एक्सिस रु वाई बार रहे वाई एक्सिस रु केते बार रहे नाउ एक्स बार रहे ये कौन हो ना एक्स बार ये जनरल हो एक्स बार ये हो जनरल हो वाई बार तो ये जो डिस्टेंस जनरली क्वार्टर सर्कल पे ये पर क्वार्टर सर्कल पे क्वार्टर सर्कल पे एक्स बार जहां रहेगा वाई बार सेम रहेगा फॉर्मूला मध्य सेम रहेगा फोर आर बाई थ्री पाई तो क्वार्टर सर्कल पे मध्य हमारा फॉर्मूला कौन था हमारा सेम जनरली फॉर्मूला रहेगा 4r by 3 pi रहेला ऊपर टा मतलब सिमिलर सिमिलर कोण रहेला 4r by 3 pi ही रहेला तो ये क्वार्टर सर्कल गला सेमी सर्कल गला नेक्स्ट आउट फॉर्म करते तो नेक्स्ट फॉर्म आउट आसीबा क्वार्टर सर्कल सेमी सर्कल पर नेक्स्ट फॉर्म होची कोण कोन राइट सर्कुलर कोन राइट सर्कुलर कोन रे मध्य सीजी को उठे हो देखे यार सेंटर ऑफ मास को उठे हो देखे ये उड़े राइट सर्कुलर कोन अच्छी राइट सर्कुलर कोन रे वर्टिकल लाइन जो एक्सिस अच्छी वर्टिकल एक्सिस ऊपर सीजी ही रही हो एटा वाई एटा होची एक्स एक्स ये हूँ बेस ये हूँ तर कोन रो बेस राइट सर्कुलर कोन रो बेस ये हूँ हमारा राइट सर्कुलर कोन राइट सर्कुलर कोन कोन रो जो हाइट था जनरली कौन था ना हाइट जनरली एच एच इज द हाइट
कोनर हाइट जनरली। तो ये वाला बेस, ये बेस रो हम कर लीजिए हमें को रेडियस ने जो बेटा आर ने जो बेटा रेडियस आर होचे रेडियस है। तो जो हाइट रा सीजी टा रहइबो कोट रहइबो जनरली, ये जनरली बेस रो सबले बेस रो ही रहउचे सबले बेस रो ही ने। तो सीजी विल लाइ एट एच बाय 4 फ्रॉम द बेस, बेस रो केते रहइबो एच बाय 4 डिस्टेंस रहइबो सीजी रहइबो। तो ये जनरली ये कोट रहइबो आर रहइबो, ये जनरली रहइबो एच बाय 4 डिस्टेंस रहइबो सीजी टा बेस रो। तो ये थला राइट सर्कुलर कोन मते थला। नेक्स्ट आउट मते फॉर्म गासिबो ट्रापीजियम फॉर्म गासिबो, नेक्स्ट फॉर्म गासिबो ट्रापीजियम फॉर्म। ट्रापीजियम रे सीजी जनरली कोट रहइबो ये सीजी पॉइंट, ट्रापीजियम रे सीजी पॉइंट, सीजी पॉइंट जनरल ए एक्सिस रो डिस्टेंस हम देखिए पड़े सब पे एटा बहुत इंपोर्टेंट। ए एक्सिस डिस्टेंस हम जानी छे यदि ए हो एटा कौन सा ना बी हो, ये बी ये उच्च ए, ये डिस्टेंस उच्च एच उच्च हाइट हाइट एच ए एटा बी एटा होची एच। तो ए जो डिस्टेंस हम को दरकार जनरली कोना सीजी को थ्रू बेस को जो डिस्टेंस से डिस्टेंस हम जनरल दरकार से डिस्टेंस जनरल केते हो एटी में लिख दो डिस्टेंस है 2 ए तो ए जो डिस्टेंस है एटा हो ये जनरल मु तुम लिख के पे चाहिए बेटा ए जो डिस्टेंस है जनरल से डिस्टेंस बहुत इंपोर्टेंट। तो एच बाय 3 into 2a plus b by a plus b। तो फॉर्मूला कौन पाई ना इस पाई ट्रापीजियम पाई फॉर्मूला। तो जनरली हमारा 2h by 3 into 2a plus b by a plus b ये होती ट्रापीजियम पाई फॉर्मूला। तो जनरली में तो मुझे फिगर्स भी कहीं गए जनरल फिगर्स भी कहीं गए जनरल। तो आवर मुझे बहुत प्रकार में जो फिगर अच्छी जो उठाई हमें सीजी आमको बहुत इंपोर्टेंट करिया पड़ियो। जदि ओजे पै जाउछे तो ओजे पै रे बहुत प्रकार के फिगर जो एकदम को मन रखिया पड़ियो जनरल फिगर तुमको सीज बडा। तो ट्रापीजियम को तुम जनरल सीज तुम कोइ देली ट्रायंगल ट्रापीजियम रेक्टेंगल सर्कल बहुत अलग अलग जिनस मते तुम सब कोइ सेले। तो नेक्स्ट आउट मते इंपोर्टेंट अछि ताक मते देखियो जेम तमरो वाला सेमी सर्कुलर मु तुम कहली सेमी सर्कुलर पर्सन सीजी कोट रहो ना 4 आर बाय 3 पाई रहो क्वार्टर सर्कल मध्ये 4 आर बाय 3 पाई ही रहो। तो सिमिलरली सेम जदि हम क्वार्टर सर्कुलर को आर्क देखिबा क्वार्टर सर्कल को देखिबा आर्क देखिबा सेटा तरह कोना सेमी सर्कल थला क्वार्टर सर्कल थला ये होच कोन सर्कुलर आर्क चाप एक्स वाई ये होच कोन ना क्वार्टर सर्कुलर आर्क क्वार्टर सर्कुलर आर्क ये जो क्वार्टर सर्कुलर आर्क अछि इयर मदर सीजी कोट रे बहुत इंपोर्टेंट इयर मदर सीजी कोट रे ये मध्ये बहुत इंपोर्टेंट। ये लेट एक्स एक्स बार ये जनरली वाई बार तो ये मदर सीजी बहुत इंपोर्टेंट एक्स बार इक्वल टू वाई बार इयर एक्स बार इक्वल टू वाई बार इक्वल टू 2 आर बाय पाई ये बहुत इंपोर्टेंट। ये ला क्वार्टर सर्कुलर आर्क यदि सेमी सर्कुलर आर्क को कीजिए कांडा ना इरा होती सेमी सर्कुलर आर्क वाई बार तो या वाई बार फॉर्मा मध्य सेम 2 आर बाय पाई मध्य हो। तो ये मध्य कौन ये ला सेमी सर्कुलर आर्क मतलब सेमी सर्कुलर आर्क। तो मोर पहला था सेमी सर्कुलर आर्क हो कि मैं क्वार्टर सर्कुलर आर्क हो जनरल तुम्हारा फॉर्मूला कौन होगा सेम रहेगा 2 आर बाय पाई ही रहेगा। तो ये थला हमारा मेन फंडामेंटल सूत्र लाजी पढ़ी लेने जनरल इन कौन कंपल लाजी में
ना सेंटर ऑफ ग्राविटी, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ एरिया, सेंटर ऑफ वॉल्यूम, ये जो डिफरेंस डिफरेंट फॉर्मूला हम पढ़ले। नेक्स्ट आम बर्तमान डिफरेंट फॉर्मूला मध्ये देखले, मैथमेटिकल फॉर्मूला के देखले सब। ये फॉर्मूला जनरल तुम्हें प्रॉब्लम पे बहुत इंपोर्टेंट प्रॉब्लम पे ये जिनसे आउट मध्ये तुम तो कोई जो देखे ये फॉर्मूला जहां में लिखले ता टिकी आम टिके आगु टिके जिबा कि फॉर्मूला जहां लिखले ता क्या गुणी गिजा एंड फॉर्मूला का लिखले x बार पे फॉर्मूला लिखले फर्स्ट फॉर्मूला लिखले dw into x by w थिला इंटीग्रेशन थिला ए सिमिलर जिनस जेटा इंटीग्रेशन लिख पर तुम एठे कोन कर समेशन साइन में दे परि देखो समेशन साइन में दे परि राइट जे सेलेक्ट चलियो जे असला x बार पे सिमिलरली फॉर y बार पे कोन ना dw into y by w ए इंटीग्रेशन ये ला y बार पे z बार पे मतलब कोई पड़ी नहीं कना सेम जान परबो z z ऊपर देबो सिमिलरली W वाला ये वेट में ही वाला। नेक्स्ट हम कोई थली मास पे मते कोई थली x बाय इक्वल टू कंसीडर करना dm इनटू x बाय m इंटीग्रेशन कर रहे हो ये मते कांतला मास पे थला। सिमिलरली y पर मते सेम दिस हो जानचो ना dm इनटू y बाय m ऊपर अब इंटीग्रेशन x बाय पर गला चल गला इला वाई इला कोन वाई बार गला एक्स बार गला वाई बार गला। नेक्स्ट जेड बार मतलब सेम हो लिखे की दरकार नहीं एक्स बार वाई बार डिटेल्स लिख ली मास पे लिख ली डा वेट पे लिख ली। नेक्स्ट वो मतलब तुम कोई के लिए वर्तमान जे वॉल्यूम लेंथ पे मतलब कोई के एक्स बार इक्वल टू कौन करियो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इनटू एल डीएल इनटू एक्स बाय एक्स। नेक्स्ट वाई बार इक्वल टू कोई के लिए डीएल इनटू वाई बाय वाई ये कोई के लिए मध्य। नेक्स्ट आउट ऑफ इनसर्ट वॉल्यूम पे नबा वॉल्यूम तुम कोई के वॉल्यूम अलग अलग वॉल्यूम अच्छे छोटे बटर तो वॉल्यूम पे मत तुम्हें काट पे एक्स पर वाई पर काट पे एक्स पर इक्वल टू वॉल्यूम बाय फार्मूला आउची डीवी डीएल जगह डीवी पड़ी आसीबो डीवी पड़ी आसीबो डीवी इनटू एक्स बाय एक्स। सिमिलरली वाई बार इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv into y by y तो ये जनरली कौन था वेट पाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ लेंथ सेंटर ऑफ वॉल्यूम ये सब चैप्टर इन सब को बहुत ही इंपॉर्टेंट मान लिखे पड़े। ये वाला सिंगल एलिमेंट पाई तो सिंगल एलिमेंट पाई ये सब सीजरो जनरली फार्मूला जो थे में मोल जो थे कंपोजिट बॉडी नवा कंपोजिट बॉडी माने मिसिक थियो जेडा बॉडी मिसिक थियो कंपोजिट बॉडी नवा तो कंपोजिट बॉडी ना तार कोन होता खाली समेशन है जो किसी अस जाना खाली समेशन है जो देखो एक्स बार जदी गाड़ी गुटे कंपोजिट बॉडी दो दि चारटा बॉडी मिसि के अछि एटी कोन अछि यो बॉडी 1 ये 2 ये लेट 3 तीनटा बॉडी मिसि के अछि एटी कंपोजिट बॉडी अलग अलग मटेरियल तो एटी एक्स बार फार्मूला टिके चेंज हो जइबो जदन एरिया वाली फंक्शन हुआ टिके चेंज हो जइबो सेटी कोन होतले जनले एटी होतला डी ए इनटू एक्स बाय ए इट इंटीग्रेशन थला तो इट जनरली कोन हिजो चेंज कोन हिजो डी ए इनटू एक्स बाय ए हिजो प्लस इट अलग अलग एरिया पई ऊपर हिजो करना समेशन हिजो समेशन ऑफ डी ए इनटू एक्स बाय समेशन ऑफ ए समेशन ऑफ डी ए इनटू एक्स बाय समेशन ऑफ ए हिजो कौन पाई नाम को दिशा तीन टाइम ले रहा मिसे को पड़ी हो तो उनको अलग अलग है जो तो फॉर्मूला उन्हें सेम ही जो वन पाई वन आज को टू पाई टू आज को थ्री पाई थ्री आज को तो डी ए डिफरेंशियल एलिमेंट ले रहे तो ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू प्लस ए थ्री एक्स थ्री बाई ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री तो ये भाव जितना सेक्शन थी से अनुसार तुम्हारा फॉर्मूला चेंज हो पार सिमिलरली फॉर वाई बार पे
समेशन ऑफ डी ए वाई बाई ए, समेशन ऑफ ए। तो ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू प्लस ए थ्री वाई थ्री बाई ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। तो ये दुईटा एक्सीस एक्स थिला वाई जनरल थिला। तो जनरली आम फर्मुला फर्मुला सब जिन प्राइजेस। नेक्स्ट क्लास में कौन कर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बुझा। थैंक यू।